नमस्कार, मैं अजित कुमार प्रसाद आज आप लोगों के बीच एक थीम समझाना चाहता हूँ। एक छोटे से कहानी से छोटी सी कहानी है, उसी के माध्यम से थीम समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। एक समय एक व्यक्ति था, व्यापार भी करता था, खेती गृहस्थी भी करता था। वह व्यक्ति बड़ा ही ईमानदार था। उसके दो बेटे थे। जब वो बूढ़ा हो गया, अब शरीर काम नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा कि अपने जीवन काल में ही क्यों ना अपने बच्चों का जो मेरा जो संपत्ति है अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। और उसने ऐसा ही किया। अपनी पूरी संपत्ति जायदाद दोनों बच्चों में बराबर बराबर उसने बांट दिया। बच्चे लगे खेती करने दोनों। तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी ये बताइए कि इस मिट्टी में किस फसल की जो उपज है वो बहुत अच्छी होगी। किसान ने बताया कि जीरा की खेती करें, सबसे अच्छी मिट्टी जीरा के लिए यह है, आप जीरा की खेती कर सकते हैं। दोनों बेटे जीरा की खेती करने लगे। हुआ ये कि बहुत अच्छा जीरा हुआ, फसल हुआ, बहुत अच्छा आमदनी भी हुआ। धीरे धीरे दोनों का मार्केट में होलसेल का दुकान हो गया जीरा का, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। 5 साल गुजर गया, एकदम खुशहाली थी, दोनों बच्चे अपने घर पे खुश थे, पिता भी बहुत खुश थे दोनों बच्चों को सक्सेस होते हुए देख करके। 5 साल के बाद बगल वाले शहर में जो किसान का बड़ा बेटा था, जीरा के साथ साथ जीरा की खेती और होलसेल का दुकान तो था ही, उसके साथ साथ उसने बगल वाले शहर में हीरा का भी एक बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया, हीरा का भी एक दुकान खोल दिया। चलने लगा बहुत अच्छा। होली का दिन था, पर्व था, दोनों बच्चे घर पे आए, फुर्सत से, उस दिन छुट्टी रहती है, दुकान बंद था, सब कुछ सभी अपने घर पे एंजॉय कर रहे थे। दोनों बेटे घर पे आए, पिताजी के पास गए और होली का जो सेलिब्रेशन होता है करने के बाद शाम के समय में पिताजी से छोटे और बड़े दोनों ने एक ही साथ गए हुए थे। छोटे ने पिताजी से पूछा, छोटे लड़के ने, कि पिताजी आपने हम दोनों में बराबर संपत्ति बांट दी, सब कुछ आपने बराबर बांट दिया, हम लोगों ने एक ही बिजनेस एक ही समय में शुरू भी किया और बहुत अच्छा उन्नति भी हुई, लेकिन आज 5 साल के बाद मेरा जो बड़ा भाई है उसके पास दो दो व्यापार है, एक जीरा का और दूसरा हीरा का, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही क्यों है, सिर्फ जीरा का। 5 साल पहले भी यही था और आज भी यही है। उस लड़के के पिताजी ने जो उत्तर में कहा, जो जवाब दिया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके पिताजी ने कहा कि तुम दोनों में सिर्फ एक ही बात का फर्क है और वो है सोच, थॉट्स, थिंकिंग। जब बड़ा बेटा जीरा का व्यापार कर रहा था, वो करते करते उसी वक्त उसने हीरे के व्यापार के बारे में भी सोच लिया था, कभी सपने में देख लिया था, कभी मन में बैठा लिया था, कभी ख्वाब देखा था कि मुझे जीरा के साथ साथ हीरा का व्यापार भी करना है, ऊंचे लेवल पे जाना है, और आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इसीलिए आप जहाँ थे आज भी वहीं हैं, और वह आगे की तरफ सोचा, ऊपर की तरफ सोचा और आज ऊपर है, आज आगे है। तो श्रीमान, ये मायने नहीं रखता कि हम कितने गरीब हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम कितने अमीर हैं, और ये भी मायने नहीं रखता कि हम कहाँ हैं। हो सकता है कि हम नौकर हैं, किसी के घर पे नौकरी करते हैं, हो सकता है कि हम किसी के दुकान में काम करते हैं। अमीर और बड़ा होने के लिए एक ही चीज़ मायने रखता है कि हम अंदर से मेंटली अमीर हैं कि नहीं,
हमारा थॉट्स, हमारी थिंकिंग, हमारा सोच अमीर है कि नहीं। अगर ये चीज़ अमीर है तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, आप सबों से निवेदन है कि कृपया दूसरों की अमीरी, दूसरों की अच्छाइयों बुराइयों को ना देख करके खुद के थॉट्स को, खुद के थिंकिंग को अगर ऊंचा किया जाए तो हम भी एक दिन ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं। नमस्कार। ऑनलाइन क्लास स्पोकन इंग्लिश का शुरू हो गया है, आज से ही शुरू हुआ, आज 20 जून 2023 मंगलवार, और ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर किसी भाई को ऑनलाइन क्लास करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास के लिए। धन्यवाद।